के साथ में बात करेंगे उनहत्तर हजार को लेकर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीटीसी प्रथम भैया था पर रोक लगाई गई हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें 67,867 चयनित अभ्यर्थी दोस्तों मेरिट लिस्ट को यहाँ चुनौती दी गई है और साथ में हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 7 अन्य मुद्दों पर सुनवाई भी आपको देखने मिलेगी जो कि दोस्तों कब कब होने वाली है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक आप सभी ने सुना ही होगा बीएड को लेकर जो बहस है वो देखने के लिए मिलती आई है। समय समय पर दोस्तों ऐसा देखने के मिला है और डबल बेंच के अंदर ये मुद्दा भी दोस्तों यहाँ पर उठाया गया था कि बीएड को अगर बात करें सेकंड वैधता दी जाए बीटीसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी जाए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि हमेशा अगर देखा जाए एक रिक्रूटमेंट के अंदर दो तरह के दोस्तों जो नियम कानून है वो नहीं लगाए जा सकते। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 14 और 16 का दोस्तों उल्लंघन हो जाता है जैसे कि शिक्षा मित्रों की तरफ से कहा जाता है ना, तो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी लागू होती है। अगर देखा जाए उसके अंदर लागू होती है कि नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 100% लागू हो जाती है चाहे बीएड है या बीटीसी। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा क्योंकि जब सिंगल बेंच और डबल बेंच के अंदर सुनवाई हुआ करती थी मैं हमेशा दोस्तों आपसे को कहता था, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको कहा था कि बीएड को यहाँ से कोई बाहर नहीं कर सकता है। वहाँ पे कुछ लोग अपने कमेंट देखे कि ये कहा करते थे कि सर अपना स्क्रीनशॉट लीजिए हमारा 100% बीएड बाहर हो जाएगा, सेकंड में अगर बात करें सेकंड वैधता भी दे दी जाएगी, ऐसा भी दोस्तों वहाँ कमेंट करके कहा करते थे। लेकिन फिलहाल तो उनके स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता चली गया है सिंगल बेंच और डबल बेंच के अभी तक मामला फाइनल नहीं हुआ है। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कैंडिडेट जो अपीयर होंगे एग्जाम के अंदर अगर दोस्तों यहां पर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है जैसे कि डीएलएड को देने की जो बात है वो की गई थी, मतलब बीटीसी की बात कर रहे हैं ठीक है, तो उनका कहना है कि आर्टिकल 16 और 14 का दोस्तों यहां पर जो उल्लंघन होगा जो कि संवैधानिक है ठीक है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहां पर दोस्तों जो साफ साफ नीचे लिखा हुआ है सिंगल बेंच का जो आदेश दिया गया 17/12/2019 को उसको यहां पर स्टे कर दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों अगर बताऊं मैं आपको पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो बीटीसी को प्रथम वैधता दी गई थी उस पर दोस्तों रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी चीजों को समझ सकते हैं, किसी प्रकार की किसी को दोस्तों फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती और ना ही दोस्तों 79 के अंदर ऐसा होगा जिसके बारे में लगातार मैंने आपसे कई बार समझाया भी है। हालांकि अभी दोस्तों इसकी जो सुनवाई वो आपको देखने मिलेगी जो कि 7 सितंबर 2020 को होने वाली, लेकिन फिलहाल दोस्तों जो अगर बात करें जो फर्स्ट प्रेफरेंस देने की बात थी उस पर रोक लगा दी गई है। एक रिक्रूटमेंट के अंदर दो तरह के नियम नहीं लगाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि 69,000 के ना तमाम जो केसेज है वो लगी हुई उसी के में दोस्तों यहाँ पे जो एक और केस फाइल किया गया आप सभी को पता ही होगा 67,867 चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट को यहाँ पे चुनौती दी गई है जिसको लेकर दोस्तों इससे पहले दो याचिकाएं डाली गई। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सरकार से काउंटर मांगा गया ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर 4 हफ्ते के अंदर काउंटर मांगा गया, उसके बाद में रिजॉइंडर लगाया जाएगा। तो दो याचिकाओं की सुनवाई होने के बाद में दोस्तों तीसरी याचिका आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि सुशील कुमार या नरेश के दोस्तों नाम से आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। इसकी सुनवाई दोस्तों 7/7/2020 को होने वाली है, आप सभी को पता ही होगा 7 तारीख को दोस्तों अगर हम बात करें एनसीबीसी की दोस्तों बैठक होने वाली है, बैठक कहें या फिर सुनवाई कहें, जैसा कि आपको पता है पिछड़ा आयोग की तरफ से यहाँ पर दोस्तों जो है सरकार पर केस किया गया, सरकार से जवाब मांगा क्या है उसकी भी सुनवाई आपको देखने के मिलेगी 7 तारीख को। और 7 तारीख को ही दोस्तों एक फैस केस लगा हुआ है रंजन रॉय सर की बेंच के अंदर जिसकी सुनवाई दोस्तों आपको देखने मिलेगी लखनऊ खंडपीठ के अंदर। ये दोस्तों बात हुई थी चयनित लिस्ट के बारे में। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर भी दोस्तों सुनवाई होने वाली है, जैसा कि आप सभी को था 6 तारीख से दोस्तों लगातार सुनवाई पर सुनवाई आपको देखने मिलेगी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहली सुनवाई दोस्तों आंसर की केस पर होने वाली जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर होगी, सेम सुनवाई दोस्तों 6 तारीख को देखने के लिए मिलने वाली है जैसा कि आपको पता सरकार से काउंटर मांगा गया। 7 तारीख को दोस्तों एक सुनवाई देखने मिलेगी सीबीआई जाँच को लेकर, साथ में कट ऑफ मुद्दे को लेकर मतलब मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होने वाली है। एमआरसी मुद्दे पर दोस्तों आपको पता है 2 जगह सुनवाई होने वाली है, एक पिछड़ा आयोग के यहाँ पर, एक दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट के अंदर भी होगी। साथ में आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों एक और सुनवाई वहां पे देखने मिली आंसर की केस के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट के लेकर होने वाली है ठीक है। बीएड मुद्दे पे 6 तारीख को बहस होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली है। वहीं अगर बात करें एनओसी मुद्दे पे भी सुनवाई होने वाली है जो कि 8 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी, मतलब माहवार शुरू होने वाला है 6 तारीख से, कल का दिन दोस्तों बीच में है, परसों से लगातार दोस्तों आपसी कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने केस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी जैसे भी अपडेट निकली लगातार दोस्तों आपसी को चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।